गाइस मेरा नाम हर्ष है। आज मैं तुम्हारा एप्टीट्यूड का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ। तो प्लीज़ मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक की सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, तुम्हारे जूनियर सीनियर इनको भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। नाम क्या चैप्टर का? टाइम मैन एंड वर्क, ठीक है ना। तो टाइम एंड वर्क, मैन एंड वर्क में जो पहला फॉर्मूला है कौन है, एम वन ई वन डी वन एच वन अपॉन डब्ल्यू वन इक्वल टू एम टू ई टू डी टू एच टू अपॉन डब्ल्यू टू, ठीक है ना। तो एम फॉर मैन, ई फॉर एफिशिएंसी, डी फॉर डेज, एस फॉर हावर एंड डब्ल्यू फॉर वर्क, ठीक है ना। तो इन सब में कोई भी दे रखा होगा तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है ना। कैसे यूज करेंगे हम बताएंगे, ठीक है। या और देखो, जो मैन, एफिशिएंसी, डेज और हावर है, अगर वर्क को यहाँ ले जाओगे तो इन सब का क्या ले सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डब्ल्यू, ठीक है ना। और ये सब आपस में क्या होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, बस इतना याद रखना है, ठीक है। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या क्या है पहला क्वेश्चन, 36 मैन डू अ वर्क इन 25 डे, हाउ मैनी मैन डू सेम वर्क इन 15 डेज, ठीक है। वर्क सेम है, क्या क्या गिवन है हमको, एम गिवन है, डी गिवन है, डब्ल्यू गिवन है, तो सिर्फ इतना ही यूज करेंगे, बाकी सबका यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो एम वन डी वन डब्ल्यू वन एम टू डी टू डब्ल्यू टू, ठीक है। वर्क सेम है तो वर्क से वर्क क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब एम वन डी वन बराबर एम टू डी टू, मैं एम वन कितना दे रखा है, 36 दे रखा है, डी टू डी वन कितना दे रखा है, 25 दे रखा है, और हाउ मैनी मैन मतलब एम टू निकालना है और डी टू गिवन है, तो सारी वैल्यू पुट करोगे तो 36 इंटू 25 इक्वल टू एम टू इंटू 15, ठीक है। जब एम टू निकालोगे इससे कितना एक 60 मैन आए, कितना एक 60 मैन आएगा, ठीक है। तो पहले कितने थे, 36 थे, तो कितने एक्स्ट्रा मैन चाहिए होंगे, हाउ मैनी मैन कैन डू, तो इतने मैन कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा मैन कितने होंगे, 24 होंगे, ठीक है ना। ओके, अब जैसे इसको एक मेथड, तो ये कौन सा मेथड, एम वन मेथड है, ठीक है। एम टू मेथड कौन है, शॉर्टकट मेथड, मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाया ना, ठीक है। क्या 25 मैन अच्छा डे, दो जो चीज़ निकालनी होती है उसको हम दूसरी साइड लिखते हैं, और जो चीज़ गिवन होती है वो इस साइड लिखते हैं, लेफ्ट साइड लिखते हैं, ठीक है ना। ओके, अब देखो हम निकालना का मैन निकालना है, ठीक है, तो मैन को दूसरी साइड लिखेंगे, तो क्या 25 डे में 36 मैन एक काम ख़त्म कर लेते हैं, तो 25 डे किसके, 36 डे के, ठीक है, 36 मैन के, तो 15 डेज के लिए कितने मैन की जरूरत पड़ेगी, तो याद रखना है डे और मैन को, मैंने क्या बताया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे दोनों, क्या होंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। तो क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कैसे करते हैं हम, ये अपॉन ये इंटू 36, 25 अपॉन 15 इंटू 36 कितने आ गए, 60 मैन आ गए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, 300 मैन कैन डू अ वर्क इन 60 डेज, ठीक है, इन हाउ मैनी मैन कैन डू 1/5 ऑफ द सेम वर्क इन 15 डेज, क्या गिवन है हमको, हमको वर्क गिवन है, इसमें पूरा वर्क हो रहा है, मतलब एक वर्क हो रहा है, इसमें कितना वर्क हो रहा है, 1/5 वर्क हो रहा है, कितना हो रहा है, 1/5 वर्क हो रहा है, इसके लिए मैन एम वन दे रखा है कितना 300, और क्या दे रखा है, डी वन दे रखा है कितना 60, ठीक है। और हाउ मैनी मैन, एम टू निकालना है, डी टू कितना दे रखा है 15 डेज, और वर्क कितना दे रखा है 1/5, सारी वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, एम वन डी वन अपॉन डब्ल्यू वन एम टू डी टू अपॉन डब्ल्यू टू, ठीक है। एम वन कितना था, इतना था, एम टू कितना 60 था, वर्क कितना डब्ल्यू मान लेते हैं, तो इसमें एम टू हमको निकालना है, डी टू हमको गिवन है, और डब्ल्यू टू क्या है, 1/5 ऑफ सेम वर्क, 1/5 ऑफ सेम वर्क, तो 1/5 ऑफ डब्ल्यू, तो डब्ल्यू से डब्ल्यू कैंसिल हो गया, तो इससे एम टू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 5 जाएगा ऊपर, ठीक है, कहाँ जाएगा, 5 जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों नीचे जाएंगे, तो यह 300 इंटू 60 अपॉन 15 इंटू 5, तो एम टू निकालो कितना 64 मैन आएगा, कितना आएगा, 64 मैन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें सर अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। देर इज इनफ फूड इन आवर होटल इन 25 डे सफिशियंट ऑफ 40 स्टूडेंट फॉर ईच डेज, कह रहा है हमारे पास इनफ फूड है किसके 25 डेज के लिए, और कितने स्टूडेंट के लिए, 40 स्टूडेंट अगर उसको खा रहे हैं और वो प्रतिदिन खाना बन रहा है तो 25 दिन तक खाना चल जाता है हमारा, ठीक है, फूड चल जाता है। कह रहा है आफ्टर 5 डे, 5 दिन के बाद 10 स्टूडेंट कम्प्लीटली लेफ्ट, उसमें 5 स्टूडेंट क्या कर गए कम्प्लीटली लेफ्ट कर गए, मतलब छोड़ गए स्कूल को, हॉस्टल को, दी हॉस्टल फॉर हाउ मैनी डेज रिमेनिंग विल बी सफिशियंट फॉर द रिमेनिंग
नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है ना। तो कह रहा है जितने स्टूडेंट बचे हुए हैं ठीक है ना, वो कितना दिन एक्स्ट्रा खाना चल जाएगा उन बच्चों के लिए, ठीक है ना, ये निकालना है हमको, ठीक है। क्या क्या गिवन क्या था हमको, हमारे हॉस्टल में 40 स्टूडेंट थे और कब तक खाना चल रहा था, 40 स्टूडेंट थे हॉस्टल में, वो खाना कितने दिन चल रहा था, 25 डेज तक चल रहा था, ठीक है। 5 दिन के बाद 10 स्टूडेंट लीव कर गए, तो 5 दिन के बाद कितने डे बचे, 20 डेज बचे। तो 20 डे कितने लड़के खाएंगे, सिर्फ 30 लड़के, क्योंकि 10 लड़के छोड़ के चले गए, ठीक है ना। याद रखना 5 लड़के तो 5 दिन तो 40 लड़कों ने भी खाया, ठीक है। और यहाँ से स्टार्ट हुआ क्या, 20 दिन में सिर्फ कितने लड़के खाएंगे, 30 डेज खाएंगे, और सो 30 स्टूडेंट खाएंगे, ठीक है। तो M1 D1 given है, ठीक है ना। अब वो कह रहा है कि उस उतने स्टूडेंट मतलब 30 स्टूडेंट कितने दिन तक जो रिमेनिंग खाना बचा है उसे खाते रहेंगे, ठीक है ना। तो ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे हम, दो 20 दिन बचे थे, अगर 20 दिन 40 स्टूडेंट खाना खाते तो खाना वो ख़त्म हो जाता, ठीक है। तो M1 given है और D1 given है, तो 40 × 20, ठीक है, मतलब क्या 40 स्टूडेंट अगर 20 दिन खाना खाते तो खाना उतने दिन चलता, 20 दिन चलता, लेकिन अब स्टूडेंट कितने बचे, 30 बचे, मतलब M2 इतना हो गया। और इसमें ये बोला कितने दिन तक चल जाएगा, और D2 हमको निकालना है, ठीक है। तो सॉल्व करोगे तो M1 D1 M2 D2, तो M1 की वैल्यू इतनी है, M2 सारी वैल्यू पुट करोगे तो D2 कितना जाएगा, 800/30 सॉल्व करोगे तो 8/3 मतलब 26, राइट, 2/3 डेज हमारा खाना चलेगा, ठीक है। तो कितने एक्स्ट्रा दिन खाना चलेगा, कितना 26, राइट, 2/3 में से 20 को सबट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आएगा, 6, राइट, 2/3 डेज। समझ में आया क्वेश्चन, नहीं आया तो अगला क्वेश्चन देखो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, आ कॉन्ट्रैक्ट हैज टू बी कंप्लीट इन 46 डेज, 170 मैन वेयर अपॉइंटेड सो दैट ईच मैन वर्किंग फॉर 8 आवर। मतलब क्या है, एक कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट है जो क्या बोला था, 46 डेज में इतने मैन उस काम को ख़त्म कर देते हैं अगर वो हर एक मैन कितने, 1 घंटे में कितने, 1 दिन में कितने, 8 घंटे काम करता है, ठीक है ना, ओके। बट ये उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया है, बट उसने देख आफ्टर 33 डेज, वो 33 दिन बाद देखता है, क्या देखता है, 4/7th वर्क इज कंप्लीट, क्या देखता है, वो सिर्फ इतना ही वर्क कंप्लीट हुआ, 4/7th ऑफ वर्क, यहाँ ऑफ नहीं लगा है, तो इतना ही वर्क कंप्लीट हुआ है कितने, 33 डेज में, ठीक है। तो उसको काम अगर कंप्लीट क्या कम हुआ है, तो कह रहा है हाउ मैनी मैन ऐड या अपॉइंटेड, ठीक है ना, मैन मस्ट अपॉइंटेड सो दैट दी वर्क गेट कंप्लीटली सम टाइम ईच मैन नाउ वर्किंग फॉर 9 आवर इन अ डे। मतलब क्या है, उस बंदे को उसी टाइम में अगर काम ख़त्म करना है तो कितने मैन अपॉइंट करेगा, अगर सारे सारे बंदे कितने 9 घंटे वर्क करते हैं। आई थिंक थोड़ी समझ में आ गई होगी, ठीक है ना, नहीं आ गई होगी तो दोबारा से पॉज बैक करके देख लेना, ठीक है। तो हमको यहाँ सॉल्यूशन देखते हैं, क्या गिवन क्या कहता है, 170 मैन थे, पहले 170 लोगों को अपॉइंट किया था, ठीक है, किसके लिए, एक काम ख़त्म करने के लिए या कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करने के लिए। वो सोच रहा था कि 46 डेज में कंप्लीट हो जाएगा एक वर्क अगर सारे बंदे कितने 8 घंटे वर्क करें, ठीक है। बट वो 33 दिन बाद देखता है कि वो सिर्फ इतना ही वर्क हो पाता है, कितना, 4/7 वर्क कंप्लीट हो पाता है अगर वो 8 घंटे वर्क करते हैं, कितने, 170 में, ठीक है ना। इसके बाद 33 डेज के बाद मोर मैन इनवाइट करेगा या अपॉइंट करेगा, क्यों क्यों अपॉइंट करेगा, क्योंकि उसको सिर्फ टाइम इतना ही है, इतने दिन में टाइम को ख़त्म करना है। तो डे कितने बचे हमारे पास, डे कितने बचे, 46 − 33, तो डेज कितने बचे, 46 − 33 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा, सिर्फ 33 डेज आएगा, ठीक है। अब मैन को हमको पता नहीं, क्योंकि मैन उसने और अपॉइंट किया है, तो हमको पता नहीं कितने मैन है, ठीक है, तो इसको हम एम मान लेंगे, ठीक है। वर्क कितना बचा, 1 − 1 वर्क था, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना वर्क बचा, लेकिन अब कितने कितने घंटे काम हो रहा है, 9 घंटे काम हो रहा है, ठीक है ना। तो क्या क्या यूज हो रहा है, एम यूज हो रहा है, डी यूज हो रहा है, एच यूज हो रहा है, डब्ल्यू यूज हो रहा है, तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, M1 D1 H1 / W1
इक्वल टू एम टू डी टू एच टू अपॉन डब्ल्यू टू। ठीक है, मैन कितने थे पहले, मैन कितने इतने दिन थे। ठीक है, अगर उन 33 डेज वर्क किया 8 घंटे, सिर्फ कितना वर्क कंप्लीट हुआ, इतना वर्क कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब उन्होंने और मैन कंप्लीट बुलाएं, मतलब कितने मैन हो गए, अब एम टू मैन हो गए। ठीक है, काम कितने में ख़त्म करना था, सिर्फ 30 डेज में ख़त्म करना है। अगर वो 9 घंटे वर्क कर रहे हैं और टाइम और काम बचा कितना था, 1 माइनस 4/7, सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दी, इसको सॉल्व करोगे तो 4/7, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो एम टू नहीं निकाल पाओगे, तो एम टू कितना हो जाएगा, ये इंटू ये अपॉन सॉरी इंटू 3 अपॉन में क्या हो जाएगा, 13 × 9 × 4। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो कितने मैन आएगा, 198 मैन आ गया। मतलब उसने कितने एक्स्ट्रा मैन अपॉइंट किए, इसमें से इसको सेपरेट कर दोगे तो 198 - 117 कितना आंसर आ जाएगा, 81 मोर मैन उसको क्या अपॉइंट किए या इनवाइट किए। ठीक है ना, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अ कॉन्ट्रैक्ट हैज़ टू बी कंप्लीट इन 40 डेज। ठीक है, क्या एक कॉन्ट्रैक्ट होता है 40 डेज में, अ कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट 100 मैन, जिसने क्या उस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के लिए कितने मैन अपॉइंट किए, 100 मैन अपॉइंट किए, सो दैट ही कुड कंप्लीट द वर्क इन टाइम। वो सोचता है कि इतने दिन में वो कम जो वर्कर हैं वो क्या कर देंगे, काम को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, इन टाइम, बट ही कुड कंप्लीट द वर्क सॉरी बट आफ्टर 35 डेज हीज कैलकुलेटर वेंट रॉन्ग, ही रिकैलकुलेटेड, उसने 35 दिन के बाद काम को देखा और क्या क्या दोबारा से रिकैलकुलेट किया और देखा कि वो गलत है, क्या उसको आ 100 मोर मैन अपॉइंट कंप्लीटेड द वर्क इन गिवन टाइम। वो अगर वो 100 मैन को और इनवाइट करेगा या अपॉइंट करेगा तो वो क्या करेगा, हमारा अपना काम उस गिवन टाइम में कंप्लीट कर सकता है। इफ़ ही हैड नॉट अपॉइंट दैट नॉट 100 मोर मैन, हाउ मैनी डे बिहाइंड द शेड्यूल द वर्क वुड हैव बीन कंप्लीटेड। मतलब क्या कह रहा है कि अगर वो 100 बंदे अपॉइंट नहीं करेगा तो कितने टाइम और लग जाएंगे उस काम को कंप्लीट करने में। समझ में आया क्वेश्चन? हाँ, तो क्या कह रहा था हमको, 100 मैन पहले उसने अपॉइंट किए कितने, अब सोच रहा था कि 40 दिन में एक वर्क कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बट वो 35 डेज के बाद अपना वो रिकैलकुलेट करता है और सोचता है गलत हुआ मैं, उसको क्या 100 मैन उस काम को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो 30 डे क्या बोला, 35 डे के बाद क्या बोला उसने, 100 मैन और अपॉइंट किए। ठीक है ना, तो ये 100 मैन और अपॉइंट करेंगे तो 100 + 100 कितने हो, 200। ठीक है, तो ये 200 मैन 5 दिन ही तो बचे हैं, तो 5 दिन में फाइव रिमेनिंग 5 डे में वो काम क्या करते हैं, कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, आगे कह रहा है कि अगर वो 100 मैन मतलब ये 100 मैन अपॉइंट ना करे तो कितना दिन एक्स्ट्रा लगेगा। ठीक है, देखो कैसे लग सॉल्व होगा, 100 मैन 35 डेज तो काम कर रहे हैं। ठीक है, इसको हटा दो, बट बचे हुए जो 5 दिन है उसमें कितने लोग, वो 200 काम कर रहे हैं, क्या 200 काम कर रहे हैं, तो क्या होगा, M1 D1 M2 D2, M1 कितना है 200 है, D1 कितना है 5 डेज है। ठीक है, तो कह रहा है अगर वो 100 मैन काम ना करें, ठीक है ना, तो कितने बचे, सिर्फ 100 बचे, तो कितने दिन में कंप्लीट होगा काम, तो उसे D2 मान लिया, तो यहाँ से D2 नहीं निकाल पाओगे, तो 100 से 2 0 2 0 कैंसिल हो गया, तो D2 कितना है 10 डेज आया। मतलब क्या हुआ, 5 डेज तो ये थे, तो उसके एक्स्ट्रा कितने दिन लगे, एक्स्ट्रा लगे कितने, ओनली 5 डेज, तो टोटल डेज कितने हो गए, 45 + 5 मतलब 45 डेज लगेंगे उस कॉन्ट्रैक्ट। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, 5 मैन एंड 10 वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 100 डेज, इन हाउ मैनी डे 3 मैन एंड 14 वुमेन कैन कंप्लीट दिस सेम वर्क। ठीक है ना, क्या बोल रहा है, 5 मैन या फिर 10 वुमेन किसी काम को 100 डेज में करते हैं, तो 3 मैन और 14 वुमेन मिलकर कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना, ओके, हम क्या दे रखा है, या फिर 5 मैन अकेले काम कर रहे हैं या फिर 10 वुमेन अकेले काम कर रहे हैं, दोनों कितने 100 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं, तो इन दोनों रिलेशन आ जाएगा कौन से, M1 D1 M2 D2 से। ठीक है, तो M1 क्या है, 5 मैन है, D1 तो 100 है। ठीक है, यहाँ पर वुमेन कितने, 10 वुमेन, और टाइम ये भी कितनी ले रही है, 100 डेज ले रही है, तो M1 D1 M2 D2। ठीक है, तो मैन और वोमैन रिलेशन आ जाएगा, तो सब काटा कोट हो गया, तो क्या 1 मैन = 2 वोमैन के इक्वल आ जाएगा। ठीक है ना, ओके, तो कह रहा था कि 3 मैन
और 14 वोमेन कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक वो इस वोमेन को मैन में कन्वर्ट कर दो या मैन को वोमेन में कन्वर्ट कर दो। तो हमने क्या करते हैं, मैन को वोमेन कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। क्या एक मैन इक्वल टू कितना, टू वोमेन के इक्वल है। तो एक मैन में जहाँ एक मैन लिखा है वहाँ टू वोमेन लिख देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, अगर यहाँ से डब्ल्यू कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा, 6 + 14 तो जाएगा 20 वोमेन। मतलब क्या है कि पहले 100 वोमेन थी तो कितने दिन कंप्लीट कर रही थी, 100 डेज में। सॉरी, 10 वोमेन थी तो 100 डेज कंप्लीट कर रही थी, तो 20 वोमेन कितने दिन काम करेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मैन और डे क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो क्या होगा, 10/20 × 100, ठीक है। 10/20 × 100 सॉल्व करो कितना है, 50 डेज आता है, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन दे रखा है, 10 वोमेन कैन कम्प्लीट अ वर्क इन 8 डेज एंड 10 वोमेन कैन कम्प्लीट द सेम वर्क इन 12 डेज। इन हाउ मैनी डेज 6 मैन एंड 3 वोमेन कैन कम्प्लीट द सेम वर्क, ठीक है। क्या 10 वोमेन और 8 डेज, तो M1 D1 M2 D2 सॉल्व करोगे तो 10M × 8 + 10W × 12, ठीक है। तो एम और डब्ल्यू में रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1 2 मैन इक्वल टू 3 वोमेन, मतलब इससे एम निकालोगे कितना होगा, 3/2 W आ जाएगा, क्या 3/2 W आ जाएगा। तो क्या रहा है, 6 मैन और 3 वोमेन कितने दिनों में काम कंप्लीट करेंगे। तो क्या करेंगे, इस मैन को भी हम वोमेन कन्वर्ट कर देंगे इस इक्वेशन से। तो क्या एक मैन की क्या हो जाएगा, 3/2 वोमेन, तो 3/2 वोमेन, तो 2 से 2 काटोगे और डब्ल्यू कॉमन लोगे तो क्या जाएगा, यहाँ से 9 आएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा, तो 9 + 3 तो कितना हो जाएगा, 12 वोमेन। तो मतलब क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे, 10 वोमेन कितने दिन कम्प्लीट कर रहे हैं, 12 डेज में कम्प्लीट कर रहे हैं, तो 12 वोमेन कितने दिन में कम्प्लीट करेंगे। तो क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 10/12 × 12 सॉल्व करोगे कितना आएगा, 10 डेज आ जाएगा आंसर। समझ आ रहा क्वेश्चन, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है 5 स्किल पर्सन कैन डू अ वर्क इन 20 डेज, ठीक है। कह रहा है 8 सेमी स्किल पर्सन कैन डू अ वर्क इन 25 डेज, ठीक है। एंड अनस्किल पर्सन कैन डू अ वर्क इन 30 डेज। इन हाउ मैनी डे अ ग्रुप ऑफ 2 skill, 6 semi skill and 5 unskill person कैन डू दिस सेम वर्क, ठीक है ना। तो कैसे निकाल लेंगे, M1 D1 = M2 D2 = M3 D3। M1 ये है, D1 ये है, M2 ये है, D2 ये है, M3 ये है और D3 ये है। तो इन सबको जब इक्वल करोगे, ठीक है, ये दे रखा था फाइव स्किल वर्कर 20 डेज में, 8 सेमी स्किल पर्सन 25 डेज में, और 10 अनस्किल पर्सन 30 डेज में वर्क करते हैं, ठीक है। तो M1 D1 M2 D2 और M3 D3 ये तीनों को इक्वल करोगे तो क्या जाएगा, जब इन सबको काटोगे तो कितना आएगा, 1S = 2SS = 3US अनस्किल पर्सन, ठीक है। तो कह रहा है कि 2 skill 6 semi skill और 5 अनस्किल वर्कर कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इन सबको किस में कन्वर्ट कर देंगे, अनस्किल में कन्वर्ट कर देंगे। तो 1 skill किसके इक्वल है, 3 अनस्किल के, तो कितना हो जाएगा, 2 × 3 = 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 अनस्किल को भी किस में कन्वर्ट कर देंगे, सॉरी 6 semi skill को कन्वर्ट कर देंगे अनस्किल में। तो जब 6 या 2 skill इक्वल है तो 6 कितने इक्वल हो जाएगा, 9 अनस्किल के, ठीक है। 5 ये था तो इन सबको ऐड करो कितना, 20 अनस्किल आ जाएगा, ठीक है। गिवन क्या क्या था, 10 अनस्किल वर्कर कितने 30 डेज में करते हैं, तो 10 अनस्किल वर्कर जो 30 डेज में करते हैं तो 20 अनस्किल वर्कर कितने दिन में वर्क करेंगे, कैसे निकालते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शन है। तो 10/20 × 30 सॉल्व करोगे कितना है, 50 डेज आ जाएगा आंसर। समझ में आ गया, ओके। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, टू मैन एंड सेवन वोमेन कंप्लीट अ वर्क इन 4 डेज, और क्या कह रहा है, 5 मैन एंड 4 वोमेन कंप्लीट अ वर्क इन 3 डेज। इन हाउ मैनी डे 2 मैन कैन बी सेम वर्क, ठीक है ना। कह रहा है कि 2 मैन कितने दिन में कंप्लीट करेंगे इस वर्क को, ठीक है। काफ़ी हमारे बहुत होशियार लड़के होते हैं, ऐसे क्वेश्चन करते हैं, टू मैन और 7 वोमेन इक्वल टू काम कितने दिन में करते हैं, 4 दिन में करते हैं, ठीक है।
फोर मैन और फोर वोमेन कितने 3 डेज में करते हैं, ठीक है। तो वोमेन वोमेन कैंसिल करना है, तो इसमें कितने का 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से एम इक्वल टू आ जाएगा 20 m। जब सॉल्व करोगे 20 m इक्वल टू आ जाएगा 5 डी के, ठीक है। तो क्या 2 मैन निकालने हैं, 2 मैन निकालने हैं, तो कैसे करेंगे, तो कैसे निकालते हैं, 20 अपॉन 2 इक्वल टू इंटू 5। जब सॉल्व करोगे तो 50 डेज आएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैन और डे क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। लड़के काफ़ी अपना दिमाग लगा के ऐसे क्वेश्चन कर देते हैं और लड़कों को आंसर गलत आता है, ठीक है ना। ये क्या, क्योंकि मैन और डेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो कैसे सॉल्व होगा, इस टाइप से सॉल्व होगा, m1 d1 m2 d2, ठीक है। तो क्या रहता है, 2 मैन और 7 वोमेन 4 डेज में करते हैं, तो m1 d1, ठीक है। क्या रहता है, 4 मैन और 4 वोमेन 3 डेज में करते हैं, तो m2 d2। जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा 1 m = 4 वोमेन, ठीक है ना। क्या 1 m = 4 वोमेन, ठीक है। तो क्वेश्चन का कह रहा है कि क्वेश्चन क्या कह रहा था, पहले कोई कोई एक रिलेशन ले लें, कौन सा रिलेशन ले लेंगे, ये वाला रिलेशन ले लिया मैंने, ठीक है। तो कह रहा है 4 मैन और 2 वुमेन 3 डेज में करते हैं, 4 मैन 4 वुमेन कितने हैं, 3 डेज में करते हैं, तो इस वोमेन को भी हम मैन में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि आंसर में क्या चाहिए, मैन चाहिए। तो यहाँ पर 4 वुमेन इक्वल टू किसके, 1 मैन के बराबर, तो इसकी जगह सिर्फ एम लिख देंगे, तो कितना 5 m किसके कन्वर्ट हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, 3 डेज के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो 5 मैन 3 डेज, तो 2 मैन कितने होगा, याद रखें ये भी क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मैन और डे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो 5 अपॉन 2 इंटू 3। जब सॉल्व करोगे इसको क्या है, 3 right 7 right 5 1 अपॉन 2 आ जाएगा आंसर, क्या 7 right 1 अपॉन 2 इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आया कैसे करना है, ओके। इस टाइप से मत करना क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, ए अलोन इन 20 डेज एंड बी अलोन इन 25 डेज, मतलब ए अकेला कितने में काम करता है, किसी काम को 20 दिन कंप्लीट कर देता है, और बी अकेला किसी काम को करता है तो 25 डेज में कंप्लीट कर देता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, ए स्टार्टेड अलोन इन 5 डे, ए ने स्टार्ट किया काम, कितने दिन तक काम किया, सिर्फ 5 दिन काम किया, ठीक है। एंड ए इज़ लेफ्ट, ऑप्शन ए ने छोड़ दिया काम, क्या रिमेनिंग वर्क ए बी कम्प्लीटेड, जो बचा हुआ काम है वो बी कंप्लीट कर रहा है, तो क्या क्या निकालना है, इन हाउ मेनी डे बी अलोन कैन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ डे रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द होल वर्क, ठीक है ना, ओके। तो कैसे सॉल्व होगा, ए 20 डेज, बी 25 डेज, ठीक है। ए ने 5 दिन काम किया, तो क्या सॉल्व होंगे, 5 अपॉन 20, ए ने सिर्फ 5 दिन काम किया तो 5 अपॉन 20, ए ने सिर्फ एक्स डेज काम किया, कितने ए ने रिमेनिंग वर्क कितने एक्स डेज में कंप्लीट किया, तो x/25 = 1, कितना काम है, सिर्फ एक काम है, तो कितना 1, ठीक है ना, ओके। तो x/25 = क्या हो जाएगा, 1 माइनस इसको यहाँ जाएगा, कितना जाएगा 5/20। जब इससे सॉल्व करके एक्स के लिए कितने आ जाएगी, 75/4, कितने आ जाएगी 75/4। तो टोटल डेज कितने हुए, टोटल डेज क्या हुआ 5 + this, तो कितना हो जाएगा, सॉल्व करोगे तो 95/4, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए अलोन 8 डेज, बी अलोन इन 6 डेज, अगर तो निकालना क्या है, इन हाउ मेनी डे ए एंड बी टुगेदर कैन स्टार्ट एंड फिनिश द सेम वर्क। कह रहा है ए अगर इतने दिन कंप्लीट करता है, बी इतने दिन कंप्लीट करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन काम कंप्लीट करेंगे, तो दोनों मिलकर माना एक्स डेज में कंप्लीट कर देंगे, क्या एक्स डेज में कंप्लीट कर देंगे। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ, मतलब ए भी एक्स डेज काम कर रहा है और बी भी एक्स डेज काम कर रहा है, तो x/8 + x/6, x/6 = 1। जब उसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 7x/24 = 1, तो x के लिए कितने 24/7 डेज हो जाएगा, ठीक है। इसको दूसरा मेथड क्या है, प्रोडक्ट अपॉन सम से भी आंसर आ जाएगा, लेकिन ये तुमको फॉर्मूले याद नहीं करने हैं, ट्रिक याद करनी है, ठीक है ना, ओके। अब अगला क्वेश्चन है, क्या रहा है, ए अलोन इन 80 डेज एंड ए बी पर दोनों मिलकर काम करते हैं, तो कितने ना 60 डेज से कंप्लीट करते हैं, तो बी अकेले कितने दिन काम करेगा, तो हम क्या कहें, हमको एक्स की बने, मतलब कितने दिन कंप्लीट करेगा, ठीक है ना। हाँ, तो ए बी दोनों 60 दिन कंप्लीट करते हैं, तो ए कितने, ए ने कितना काम किया, 60 अपॉन 80, ठीक है। बी ने कितना काम किया, 60 अपॉन, इसकी वैल्यू हमने एक्स मान ली, तो 60 अपॉन x, कितने काम है, सिर्फ एक काम है, तो = 1, ठीक है ना। तो इसे एक्स क्यूब निकाल लोगे, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको यहाँ ले जाओगे तो 1 - 60/80 या फिर 20/80 सॉल्व करोगे इसको, तो इसको काटोगे इसको, तो कितना 1/4 आ जाएगा, क्या 1/4 आ जाएगा, तो एक्स क्वल कितना आएगा,
240 days, मतलब बी अकेले कितने दिन काम कर सकता है, 240 days लग जाएंगे उसको काम को करने में, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए अलोन इन 12 days, बी अलोन इन 15 days, सी अलोन इन 20 days, इन हाउ मैनी डे ए बी सी कैन स्टार्ट एंड फिनिश साइमल्टेनियसली। तो कह रहा है ए इतने दिन कम्प्लीट करता है, बी इतने दिन कम्प्लीट करता है, सी इतने दिन कम्प्लीट करता है, तो तीनों मिले कितने दिन कम्प्लीट करेंगे, तो कितने दिन को हम एक्स मान लेंगे, तो कैसे होगा, मतलब एक्स इसने एक्स डेज इसने भी काम किया, एक्स डेज इसने भी काम किया, एक्स डेज इसने भी काम किया, तो एक्स अपॉन 12 प्लस एक्स अपॉन 15 प्लस एक्स अपॉन 20 इक्वल टू 1। 1 क्या है, वर्क है, तो एक काम हो रहा है तो इक्वल टू 1, ठीक है, ठीक समझ आ गया। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 डेज आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 5 डेज आ जाएगी, समझ में आ गया। तो मतलब ये तीनों मिलके 5 दिन में पूरा काम को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है ए अलोन इन 40 डेज, बी अलोन इन 60 डेज। कह रहा है ए एंड बी स्टार्ट एंड आफ्टर 12 डेज ए कम्प्लीटली लेफ्ट, ठीक है। ए बी दोनों ने एक साथ काम किया, स्टार्ट किया, बट 12 दिन के बाद ए ने छोड़ दिया काम को, दी वर्क, ठीक। तो निकालना क्या, इन हाउ मैनी डे बी अलोन कैन कंप्लीट दी रिमेनिंग वर्क। तो बोल रहा है कि बी अकेला कितने दिन का काम कंप्लीट करेगा और टोटल नंबर ऑफ डेज, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ डेज कितने लेंगे, ठीक है। तो ए ने कितना काम किया, ए ने सिर्फ काम किया 12 डेज, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 12 अपॉन 40, बट बी ने तो पूरा काम किया है, तो बी ने पूरा काम किया है, तो एक्स अपॉन 60, ठीक है। तो एक्स तो पूरा काम निकालना कितने कंप्लीट होगा, तो एक्स अपॉन 60 इक्वल टू 1। तो इससे एक्स की वैल्यू निकालोगे कितना आएगा, 7 अपॉन 10, ठीक है ना। तो एक्स इक्वल टू कितना आएगा, 42, कितना 42 डेज आ जाएगा, ठीक है। टोटल वर्क डे आया है कि ए बी दोनों मिलके कितने काम कंप्लीट करेंगे, 42 डेज में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। बट रिमेनिंग वर्क बोला है कि रिमेनिंग वर्क अकेला भी कितने कंप्लीट करेगा, तो देखो 12 दिन तो दोनों साथ में काम किए थे, तो 42 में से 12 को सेपरेट कर देंगे तो हमारे कितना 30 डेज आ जाएगा। एक तो ऐसे कर सकते हैं, मेथड वन है। दूसरा मेथड क्या है, देखो ए और बी दोनों ने 12 दिन कंप्लीट किया था काम, तो ए ने 12 दिन कंप्लीट किया और बी ने 12 दिन कंप्लीट किया, ठीक है। तो रिमेनिंग वर्क के बी अकेला काम कर रहा है, तो रिमेनिंग वर्क समझ लो एक्स डेज में कंप्लीट कर दे रहा है। तो इन तीनों अगर वर्क को जोड़ दोगे तभी तो एक वर्क कंप्लीट होगा ना। तो एक्स अपॉन 60 जब उसको सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, एक्स की वैल्यू सॉल्व करने में 30 डेज आ रही है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो टोटल डेज कितने जाएंगे, 30 प्लस 12, तो कितना हो जाएगा, 42 डेज आ जाएगा, समझ में आया क्वेश्चन, ठीक। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, ए अलोन 20 डेज, बी अलोन 30 डेज। कह रहा है ए स्टार्ट टू वर्क अलोन, ए ने स्टार्ट किया अकेले काम आफ्टर 5 डे, बी ज्वाइन हिम, तो 5 दिन के बाद बी ने ज्वाइन किया। तो निकालना क्या है, इन हाउ मैनी डे ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। कह रहा है ए और बी मिलके जो बचा हुआ काम है कितने में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। और कहना है टोटल नंबर ऑफ डे कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ डे निकालना, ठीक है। ये तो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो देखो ए ने कितने दिन काम किया, ए ने पूरा काम किया पूरा, लेकिन बी ने कितना 5 दिन कम काम किया ना, 5 दिन के बाद आया है तो 5 दिन कम काम किया, तो ए ने तो पूरा काम किया, तो ए क्या एक्स अपॉन 20, बी ने कितना काम किया 5 दिन कम किया, तो एक्स माइनस वाई अपॉन 30 इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो इसे एक्स के लिए निकालो, एक्स के लिए कैसे निकालो, इससे लड़के इसमें कन्फ्यूज आते हैं। देखो इसको और इसको अलग सॉल्व कर लो और इसको अलग लिख दो, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, एक्स कॉमन ले लिया तो उसको एलसीएम लोगे तो इतना जाएगा, ठीक है। इस 5 को कहाँ भेज दिया, इस साइड भेज दिया, तो 5 यहाँ माइनस का था तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करके इतना आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 14 डेज आएगी ना, एक्स इक्वल टू 14 डेज आ गई, मतलब टोटल काम कितने कंप्लीट हुआ, 40 डेज कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब ए और बी ने कितने दिन एक साथ काम किया, कितने दिन एक साथ काम किया, 5 दिन के बाद बी ने ज्वाइन किया, तो 14 माइनस 5 कितना, 9 डेज आ जाएगा। पहला मेथड ये, दूसरा मेथड क्या है, देखो बी 5 दिन के बाद आया, ठीक है ना, तो मतलब ए ने 5 दिन एक्स्ट्रा काम किया है,
फाइव अपॉन 20, ए ने 5 दिन एक्स्ट्रा काम किया तो 5 अपॉन 20, बचा हुआ काम ए दोनों एक साथ मिले काम किया, तो एक्स अपॉन 20 प्लस एक्स अपॉन 30 इक्वल टू 1। तो इससे एक्स निकालोगे तो कितना 9 डेज आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ डेज निकालोगे 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा 14 डेज आ जाएगा। क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करो चाहे ऐसे सॉल्व करो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ए अलोन इन 16 डेज, बी अलोन इन 32 डेज एंड सी अलोन इन 48 डेज। अरे ए प्लस बी प्लस सी मतलब तीनों ने क्या एक साथ काम स्टार्ट किया, आफ्टर 4 डेज सी कम्प्लीटली लेफ्ट, 4 दिन के बाद सी कम्प्लीटली लेफ्ट कर दिया, ठीक है। एंड बी आल्सो कम्प्लीटली लेफ्ट वर्क बट 2 डे बिफोर कम्प्लीट दी वर्क, मतलब क्या बी ने कब लेफ्ट किया, जब काम खत्म होने वाला था उसके 2 दिन पहले ही बी लेफ्ट किया, ठीक है ठीक है। तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डे बी कम्प्लीट और कम्प्लीट दी वर्क, तो कह रहा है कितने दिन ये काम खत्म होगा वो निकालना है आपको, ठीक है। तो ए ने तो पूरा काम किया, तो ए ने पूरा एक्स डेज काम किया, ठीक है। बी ने कितने दिन काम किया, बी ने 2 दिन कम काम किया तो एक्स माइनस 2, ठीक है। बट सी ने कितने दिन काम किया, सिर्फ 4 दिन काम किया। तो कैसे सॉल्व करोगे, एक्स अपॉन 16 प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन 32 प्लस 4 अपॉन 48, ठीक है। इसको सॉल्व कर लोगे तो इससे एक्स की वैल्यू निकाल लो, आई थिंक एक्स की वैल्यू निकालना आता होगा, ठीक है। तो कैसे, एंस इसको सॉल्व कर लो अलग और 2 और 4 को दूसरी साइड ले जाओगे, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इतनी डेज आ जाएगी, तो 10 राइट 4 अपॉन 9 डेज आ जाएगा, ठीक है। तो बी ने कितने दिन काम किया, बी ने ये तो ए का काम आया, ठीक है। बी ने कितने काम किया, मतलब टोटल काम में से 2 दिन कम काम किया था, तो इसमें से जब 2 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या आएगा, 8 राइट 4 अपॉन 9 डेज आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यार ए एंड बी 12 डेज, मतलब किसी काम को ए बी 12 दिन कम्प्लीट करते हैं, बी सी 15 दिन कम्प्लीट करते हैं और ए और सी 20 डेज कम्प्लीट करते हैं, तो ए बी सी मतलब तीनों मिले कितने दिन कम्प्लीट काम करेंगे। याद रखो अगर इन सबको ऐड कर दोगे तो ए कितनी बार, 2 बार है, बी कितना, 2 बार है, सी भी 2 बार है, मतलब अगर इन सबको ऐड कर दोगे तो अगर कोई काम ए बी सी अगर एक्स डेज में एक काम कंप्लीट करते हैं तो ये सब मिलके उसी का उसी दिन उसी टाइम में 2 काम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो इसको अलग अलग सॉल्व करने से अच्छा है क्या सॉल्व करना, माना कि एक्स डेज में कंप्लीट होता काम, तो ये कितने गया, एक्स अपॉन 12 प्लस एक्स अपॉन 15 प्लस एक्स अपॉन 20, कितने कंप्लीट होते हैं काम, इतने में 2 कंप्लीट काम होते हैं। तो यहाँ तक सब एक एक कंप्लीट हो रहा है, तो यहाँ पर कितने 2 कंप्लीट होंगे, तो इक्वल टू 2। तो इससे एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 डेज आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 10 डेज आ जाएगी, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लोगे ना आराम से, तो कह रहा है अब क्या, ये तो आ गया, अब कह रहा है ए अलोन ए अकेले कितनी कंप्लीट करेगा, तो कैसे करोगे सॉल्व, देखो ए कैसे आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी में से बी सी को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ए का काम आ जाएगा, ठीक है। तो क्या ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी कर दोगे तो ए का काम आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, एक्स अपॉन 10 माइनस एक्स अपॉन 50 तीनों मिलकर 10 दिन कम्प्लीट कर देते हैं, तो एक्स अपॉन 10 बी सी कितना 15 दिन कम्प्लीट करते हैं, तो एक्स अपॉन 50 इक्वल टू 1। तो एक्स कॉल कितने दिन है, एक्स अपॉन 20 एक्स अपॉन 30 इक्वल टू 1, मतलब एक्स कॉल क्या 30 डेज आ गया, मतलब ए अकेला कितने दिन कम्प्लीट करके करेगा काम, 30 डेज में कम्प्लीट करेगा काम, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, ए एंड बी 12 दिन कम्प्लीट करते हैं, बी एंड सी 16 डेज में कम्प्लीट करते हैं। कह रहा है ए वर्क एट इट अलोन फॉर 5 डेज, ठीक है, 5 दिन के लिए काम करता है ए एंड लेफ्ट और छोड़ देता है। देन बी वर्क अलोन फॉर 7 डे, बी अकेले कितने काम करता है, 7 दिन कंप्लीट करता है काम, ठीक है, एंड लेफ्ट, ठीक है, एंड रिमेनिंग वर्क इज कम्प्लीटली बाई सी इन 30 डेज, बचा हुआ काम सी कंप्लीट करता है लेकिन कितने कंप्लीट करता है, 30 डेज में कंप्लीट कर पाता है। तो निकालना इन हाउ मैनी डे ए सी अलोन दी इन द सेम वर्क, तो कह रहा है सी अकेला उस काम को कितने दिन कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो ऐसे में लिख सकते हैं ए ने कितने काम किया, 5 दिन काम किया, बी ने कितने, 7 दिन, और सी ने कितने, 13 डेज में कंप्लीट मतलब काम किया, तो एक काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं, ए ने 5 दिन काम किया, ठीक है, इस 7 दिन को हम 5 प्लस 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, इस 13 को मैं 2 और 11 में कम्प्लीट कर सकता हूँ, कंप्लीट हो गया काम, ठीक है। अब देखो इन दोनों में से अगर 5 कॉमन कर लो तो क्या ए और बी दोनों का काम आ जाएगा,
अगर इन दोनों में से दो कॉमन ले लो तो बी सी का काम आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, और इस 11 को अलग करके हमारा काम कंप्लीट हो गया। मतलब क्या है, ए और बी 5 दिन कंप्लीट, ए और बी 5 दिन काम करते हैं, बी और सी 2 दिन काम करें, और 11 दिन सी अकेला काम करे, तब भी तो कंप्लीट हो रहा है ना, काम हो रहा है ना। ओके, तो कैसे हो जाए सॉल्व, 5/12 ठीक है, और 2/16, और सी तो हम पता नहीं है, तो 11/C, सी निकालना है = 1 ठीक है। तो सी की वैल्यू उसको सॉल्व कर लोगे तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 आ जाएगी ठीक है। कैसे सॉल्व करना है मैंने इसमें लिख रखा है ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए अलोन इन 10 डेज, बी अलोन इन 15 डेज, दे बोथ स्टार्ट एंड फिनिश टुगेदर, व्हाट इज द श्योर ऑफ ए इन दी टोटल वेज ऑफ 3,000 रुपीज़। क्वेश्चन समझ नहीं आया, देखो क्या कह रहा है, ए किसी काम को 10 दिन कंप्लीट करता है, बी किसी काम को 15 दिन कंप्लीट करता है, अगर दोनों एक साथ काम स्टार्ट करें और फिनिश करें तो ए को कितना रुपये मिलेगा, अगर टोटल रुपये उसने कितना 3,000 रुपये उसने दिए, कैसा होगा देखो इस क्वेश्चन कैसा होगा देखो। तो क्या 3,000 रुपये थे, किसमें देना है, ए और बी में देना है, इनका टाइम का रेशियो दे रखा है, कितना टाइम दे रखा था 10 और 15, तो इनका रेशियो निकाल लिया तो 2:3 आया। याद रखना टाइम और एफिशिएंसी का इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है, तो एफिशिएंसी का आ जाएगी 3:2 आ जाएगी, तो ओवरऑल कितना आएगा 5। याद रखना जो रुपए देते हैं वो टाइम के हिसाब से नहीं देते हैं, वो एफिशिएंसी के हिसाब से देते हैं ठीक है। ए और बी ने तो एक साथ मतलब बराबर काम किया ना, बराबर बेस काम किया, तो एफिशिएंसी के हिसाब से रुपये मिलता है। तो एफिशिएंसी तो ए को कितना रुपये मिला, 3/5 × 3,000, बी को कितना रुपये मिला, 2/5 × 3,000। तो इसको जब सॉल्व कर लोगे तो ए को कितना रुपया मिला, 1,800, और बी को कितना मिला, 1,200 रुपीज़ मिला ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए इज ट्वाइज एज गुड एज बी एंड देयर फोर दे टुगेदर गेट स्टार्ट एंड फिनिश अ वर्क साइमल्टेनियसली इन 16 डे, एंड हाउ मैनी डे ए अलोन कैन कम्प्लीट दी वर्क। मतलब क्या क्वेश्चन कह रहा है, ए बी से अच्छा है, 2 गुना अच्छा है, ये क्या एफिशिएंसी दे रखी है ठीक है ना। ओके, तो ए बी की एफिशिएंसी कितनी रखी है, 2:1, तो टाइम कितना हो जाएगा, 1:2, तो एक्स में निकालोगे तो इसका एक्स आ जाएगा, इसका 2x आ जाएगा ठीक है। मतलब ए किसी काम को एक्स डेज कंप्लीट करता है और बी किसी काम को 2x डेज में कंप्लीट करता है ठीक है ना। ओके, तो कह रहा है उस काम को एक साथ स्टार्ट किया फिनिश किया तो कितने 16 दिन में कंप्लीट हो गया, 16 डेज में कंप्लीट हो गया ठीक है। तो ए अकेला कितना काम करेगा, हमें एक्स की वैल्यू चाहिए ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कैसे आएगी, तो क्या 16 दिन कंप्लीट कर रहा, मतलब 16, ए ने भी 16 दिन काम किया, बी ने भी 16 दिन काम किया, तो 16/x + 16/2x = 1 ठीक है। तो इससे एक्स की वैल्यू निकाल लोगे, एक्स की वैल्यू कितना है, 24 डेज आ जाएगी ठीक है। एक तो मेथड ये है, दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड क्या है, ए और बी की एफिशिएंसी हमें कितनी दे रखी थी, 2:1 दे रखी, क्या दे रखी, 2:1 दे रखी थी, मतलब ओवरऑल 3 दे रखी, क्या दे रखी, ओवरऑल 3 दे रखी है। तो कह रहा है ए और बी एक साथ काम करते हैं तो 16 दिन कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो ओवरऑल कितना है, एफिशिएंसी 3 है, ओवरऑल एफिशिएंसी देखोगे तो 3 है, तो 3 × 16, क्या 3 × 16, कि दोनों मिलकर काम करना है तो दोनों की एफिशिएंसी ऐड हो जाएगी, तो 3 × 16, तो E1 D1 E2 D2, तो 3 × 16 = E2 गिवन है, हम ए की एफिशिएंसी निकालनी है, तो ए की एफिशिएंसी कितना है, 2 दे रखी है, और इसके डे कंप्लीट डे नहीं दे रखा है, तो डे को डी रहने दो, तो डी निकालना है, तो डी कितना जाएगा, 24 डेज आ जाएगा। फॉर्मूला का यूज कर सकते हो, इसका यूज कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ए इज थ्राइज एज गुड एज बी, ए 3 गुना अच्छा है बी से, देयर फोर ए फिनिश्ड द वर्क इन 60 डे लेस देन बी। कह रहा है अगर किसी काम को काम स्टार्ट करते हैं और ए बी, तो ए 60 दिन पहले ख़त्म कर देता है बी से ठीक है ना। इन हाउ मैनी डे ए एंड बी टुगेदर गेट स्टार्ट एंड फिनिश द वर्क। कह रहा है अगर ये दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे वर्क को ठीक है। तो क्या हमको एफिशिएंसी दे रखी है, ए इज थ्राइज एज बी, तो एफिशिएंसी क्या 3:1 दे रखी है, तो टाइम क्या हो जाएगा, 1:3, 1 मतलब एक्स, बी के 3 है तो मतलब 3x ठीक है ना। तो क्या इन दोनों का डिफरेंस, क्या डिफरेंस ही था, डिफरेंस कितना था, 60 डेज था, एक्स कितना आ जाएगा,
30 डेज आ जाएगा। मतलब एक दिन कितने दिन में काम कंप्लीट कर दे, काम कंप्लीट कब कल कंप्लीट कर देगा 30 डेज में, और बी कितने दिन काम खत्म कर देगा 3 × 30 मतलब 90 डेज में अपना काम खत्म कर देगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ए अलोन 12 डेज, बी अलोन 9 डेज, इफ दे स्टार्ट वर्क ए ऑफ अल्टरनेटेड डे, क्या एक दिन छोड़ के एक दिन काम करते हैं ए और बी, ठीक है, ऑफ ए बिगिन दी वर्क, ए ने अगर काम को स्टार्ट किया तो कह रहा है हाउ विल दी फिनिश दी वर्क, ठीक है, कौन ख़त्म कर देगा, हु विल फिनिश दी वर्क, कौन ख़त्म करेगा वर्क को, और सेकेंड निकालना है ऑन विच डे दी वर्क इज कम्प्लीट, कह रहा है कौन से दिन काम खत्म होगा ये निकालना है। अगला क्या है, टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डे, और टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज निकालना है। ठीक है, ओके, तो क्या एक ए 12 दिन में किसी काम को ख़त्म करता है 12 दिन में, तो एक दिन में कितना काम ख़त्म करेगा 1/12। ऐसी बी किसी काम को 9 डेज में ख़त्म करता है तो एक दिन में कितना काम ख़त्म करेगा 1/9। ठीक है, तो याद रखना ए बी एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम ख़त्म कर लेंगे 1/12 प्लस 1/9 मतलब 7/36। ठीक है ना, अगर ये एक दोनों काम करते हैं, ठीक है, मतलब ए और बी एक एक बार काम करेंगे तो इतना काम ख़त्म होगा, मतलब एक दिन ये करता है दूसरे दिन ये करता है, मतलब ये 2 दिन ख़त्म हो गए, मतलब 2 दिन कितना काम ख़त्म हुआ इतना। ठीक है, तो 2 दिन में इतना, तो देखो अप्रॉक्सीमेट 5, हाँ तो क्या 5 दिन में कितना हो जाएगा 35/36, तो 5 दिन ए ने काम किया और 5 दिन बी ने काम किया। ठीक है, समझ में आ गया, ओके। अब रिमेनिंग वर्क कितना बचा, 1 में से इसको सबट्रैक्ट कर दोगे तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा, इतना बचा, मतलब क्या है देखो 10 दिन कम्प्लीट हो गया, 11 दिन कौन ए स्टार्ट करेगा, मतलब ए इज फिनिश, बचा हुआ काम को ए ख़त्म कर देगा, कितने दिन ख़त्म करेगा ये निकालना है, तो एक काम को ए कितना 12 दिन कम ख़त्म करता है, तो 1/36 वर्क कितने कितने घंटे में मतलब कितने दिन में कम्प्लीट कर देगा ये निकालना है। तो ये डायरेक्ट मेथड है क्योंकि वर्क और डेज क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो ये अपॉन ये इंटू दिस, तो ये अपॉन ये इंटू दिस सॉल्व करोगे तो कितना 1/3 डेज आएगा, मतलब क्या है ए ने फिनिश किया 11 दिन में कम्प्लीट होगा और टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होंगे 10 + 1/3 डेज, सॉल्व करोगे तो 10 राइट 1/3 आंसर आ जाएगा।